सपा और कांग्रेस के समय में चेहरा देख करके योजनाएं दी जाती थी, वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए योजनाएं बनती थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, और गाजीपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण था। बहनों और भाइयों, गाजीपुर हो या आजमगढ़, मऊ हो या फिर आसपास के जनपद, ये सब भय और आतंक के साए में जीते थे, लेकिन आज आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला तो बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हुआ है। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा हो या फिर समाज को एक संतुलित विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देश का जो नारा है, पूरे देश का जो स्वर है, वह हमें फिर से एक बार जो नारा है कि अब की बार 400 पार के इस लक्ष्य के साथ गाजीपुर संसदीय सीट पर श्री पारसनाथ राय को भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के आशीर्वाद से, सुहेलदेव राजभर पार्टी, निषाद राज पार्टी, अपना दल, इन सभी ने अपना समर्थन दिया है। गाजीपुर मोदी जी को आश्वस्त करे कि गाजीपुर से श्री पारसनाथ राय भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे, आप आश्वस्त करेंगे? पूरा गाजीपुर, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग सहमत हैं? 1 जून को जब चुनाव होंगे तो श्री पारसनाथ राय जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के गाजीपुर से जाएंगे? गाजीपुर विकास और सुशासन के इस मॉडल का एक बार फिर से केंद्र बनेगा? सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सपा और कांग्रेस के समय में चेहरा देख करके योजनाएं दी जाती थी, वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए योजनाएं बनती थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, और गाजीपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण था। बहनों और भाइयों, गाजीपुर हो या आजमगढ़, मऊ हो या फिर आसपास के जनपद, ये सब भय और आतंक के साए में जीते थे, लेकिन आज